हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय जगन्नाथ, वेलकम बैक माय चैनल हेवन एट होम। तो मैं पहले वो हिंदी में वो ये वीडियो बना रही थी, तो आज सोचा कि मैं ओडिया में भी बनाऊं। तो पहले हिंदी में बना लूँगी एक वीडियो, फिर उसके बाद ओडिया में भी बनाऊं, क्योंकि ये एक ओडिशा की फेमस डिश है, चावलो बड़ा, जो राइस बड़ा ये होता है, जो पक्का राइस का ओ बड़ा। तो मैं उसकी बड़ा बना मतलब प्रिपेयर कर रही हूँ, तो इसलिए मैं पक्का राइस ले ली हूँ 2 कप, एंड आधा कप ली हूँ उड़द दाल। तो उसको रात भर में भिगो के रख दी थी, सुबह में उसको पीस ली थी, पीस के ऐसे ही थोड़ा फेंट के छोड़ दी थी, अब मतलब करीबन 6-7 घंटे के लिए। फिर इसमें नमक एंड अजवाइन, जीरा एंड थोड़ा सा धनिया पत्ता डाल के इसको मिक्स करके, बच्चे को देखो इतने परेशान करते हैं, इसमें क्या बनाऊं, बच्चे ना बहुत परेशान करते हैं। ओके, तो ऐसे मिला के इसको अभी हम फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे मैं कढ़ाई में डाली हूँ, मैं दिखाती हूँ आपको, ऐसे छोटे छोटे करके ये बड़ा डाली हूँ। अब ऑलमोस्ट ये हो गया है, और थोड़ी देर के बाद फिर से शुरू हुआ उनका। इसमें क्या मैं बनाऊँ, इसी वजह से मैं नहीं डाल पाती हूँ वीडियो, बार बार ऐसे परेशान करते हैं। तो ये हो गया है ऑलमोस्ट, क्या ये पूरा हो गया है, अब इसको निकाल देंगे। इसके साथ कुछ करी वगैरह नहीं चाहिए, जो इमली का चटनी हो, तीखी वाली चटनी, उसके साथ मतलब मिला के खाते हैं। और एक टमाटर की चटनी अगर होगा तो मैं डालूँगी, नहीं तो बस मैं प्रोसेस बता दूँगी कैसे बनाते हैं, क्योंकि कितने परेशान बच्चे करते हैं इसी मतलब इनके चक्कर में मैं वीडियो वगैरह नहीं बना पाती हूँ। तो सोचा एक नई डिश ट्राई कर रही हूँ, तो थोड़ी सी आपके साथ शेयर भी कर लूँ, तो इसी वजह से ये वीडियो बना ली। तो ऐसे निकाल देंगे, अब इसको फिर से और एक डालेंगे, ऐसे छोटे छोटे करके डालना है। ऑयल हाई, मीडियम हाई फ्लेम में रहना चाहिए, मतलब गैस की फ्लेम, ऑयल पूरा गर्म होना चाहिए, नहीं तो ये फूलेगा नहीं और अच्छे से मतलब क्रिस्पी नहीं होगा। और ये बहुत टेस्ट लगता है, ये एक ओडिशा की फेमस फूड है, चावलो बड़ा, पक्की चावल की बड़े, बहुत अच्छा लगता है। देखो ऐसे फूल रहा है, फिर से शुरू हो गया इनका। ये जो थोड़ा हुआ है, अब इसको दिखाती हूँ, देखो इसे, देखो पूरा देखो कैसे क्रिस्पी बना है। टेस्ट भी अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो इमली चटनी के लिए थोड़ी सी इमली आप भिगो के रख देना 15 मिनट करीबन। फिर लहसुन काली मिर्च को कूट लेना है, एंड करी पत्ता को दरदरा इधर कूट लेना है, नहीं तो थोड़ी दरदरा ग्राइंड कर लेना है। इसमें डाल देना है जो इमली का जो पानी, उसको ऐसे उसका पॉल निकाल के उसमें डाल देना है, ये जो लहसुन की पेस्ट जो, फिर धनिया पत्ता डाल के इसको छोक देना है। छोक में आप थोड़ी सी जीरा, सूखी मिर्च थोड़ा सा, इसको छोक के, हींग थोड़ा सा छोक के इसमें डालना है, एंड स्वाद अनुसार नमक, एंड थोड़ी सी हल्की सी मतलब स्वाद को बैलेंस करने के लिए चीनी,
ये डालना है, डाल के अब बन के रेडी हो गया। जितना आप पतला रखना चाहते हो उसी हिसाब से आप उसको पतला रखेंगे, पानी को मतलब इमली के पानी को। बस ये बन गया हमारा इमली पानी। एंड और एक रहता है टमाटर की चटनी। टमाटर की चटनी को ऐसे टमाटर, चार टमाटर लेके उसमें थोड़ी सी धनिया पत्ता, लहसुन और तीखे के अनुसार आपके, अगर तीखा चाहिए तो आपको थोड़ी मतलब ये जो सूखी मिर्च या लाल मिर्च आप डाल सकते हैं, और लहसुन इसको ग्राइंड कर लेना है। ये थोड़ा ग्रेवी टाइप का रहेगा, मतलब थोड़ा मोटा सा रहेगा क्योंकि पहले हमारा चटनी इमली चटनी थोड़ा पतला था ना, ये थोड़ा चटनी मोटा सा रहेगा। तो ये दोनों चटनी मिला के इसके साथ खाने से बहुत अच्छा लगता है। मैं अगर होगा तो मैं बना के आपको वीडियो ले लूँगी, नहीं तो ऐसे ही मैं बता दी। तो देखिए और इसे आप बना के एक बार ट्राई कीजिए कैसा लगा, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। थैंक यू। जय जगन्नाथ।